नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार नहीं है और शुक्रवार भी नहीं है, आज बुधवार है। तो परंपरा थोड़ी हम तोड़ रहे हैं क्योंकि आज हम अपना स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, दैट इज़ अवर चाय, जो आप जानते हो। अभी ऐसा है कि हमारे पास सारी कॉस्मेसूटिकल्स लाइन है, न्यूट्रासूटिकल्स भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, लेकिन सुबह जब हम उठते हैं तो सुबह हमारी शुरू होती है कि अपने टूथपेस्ट से, सेमी डायरेक्ट अपनी टूथपेस्ट, ज्वारा टूथपेस्ट। उसके बाद हम नहाते हैं, अपना सोप है, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करोगे, चाय पियेंगे, तो चाय तो अपना ही होना चाहिए। तो राइट फ्रॉम द मॉर्निंग यू विल सी दैट यू आर नाउ कनेक्टेड विथ सेमी डायरेक्ट। तो सेमी डायरेक्ट का सुबह से अपना शुरू, और रात में नाइट क्रीम लगा के सो जाइए, दैट इज़ वॉट द होल थिंग इज ऑल अबाउट। चाय के बारे में अभी ऐसा क्या विज्ञान है कि मैं आज इसको लॉन्च कर रहा हूँ, केटीसी से बात कर रहा हूँ, तो विज्ञान की बात आज हम बहुत कम करेंगे। विज्ञान तो है इसके पीछे, थोड़ा सा तो है, लेकिन हम बात करेंगे स्पेसिफिकली हाउ चाय इज एसोसिएटेड विद अवर लाइफ। नाउ इफ यू लुक एट इट, हम कॉलेज से लेके आज तक के सारे दिन अगर हम देख लो तो ऐसे कोई दिन नहीं गया होगा जहाँ पे चाय पीने वाले यानी बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो चाय नहीं पीते हैं, बट सारे लोग तो चाय पीते ही हैं। बट एज वी प्रोग्रेस्ड इन लाइफ वी फाउंड दैट नए नए चाय आते गए, ग्रीन टी आते गया, और फिर इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जानने लग गए, और फिर ऐसा हो गया कि हेल्दी चाय पीना है तो ग्रीन टी या उस तरह का चाय पीना चाहिए। तो चाय लाने का हमारा मकसद ऑलमोस्ट एक साल से था कि चाय आना चाहिए, कि जो कॉमन एक प्रोडक्ट है कोई भी ले सकता है, लेकिन उसकी प्राइस भी बहुत कम होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें और अच्छी क्वालिटी की चाय जो हमने ढूंढी है, तो उसके लिए ढूंढना पड़ा, और आखिर में हमको वो मिल गया जो हमको हम चाहते थे, और उसमें थोड़ा सा अपना ज्ञान भी है सेमी डायरेक्ट का जो उसमें ऐड किया गया है, तो उसके साथ में जो बन गई है अपनी वो है बेहतरीन चाय। तो आज चाय के बारे में बात करेंगे, चाय के बारे में चर्चा करेंगे, और चाय पे चर्चा करके तो हम तो जानते ही हैं कि चाय तो हमारे राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है, तो हमारी ज़िंदगी के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो हम आज चाय की चर्चा नहीं करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इट इज़। सबसे पहले तो आपको एज यूजुअल कहना चाहता हूँ कि अपना कॉपीराइट संभाल के रखिए, इसको यूज़ इट प्रॉपरली, एंड देन आई एम एक्सट्रीमली प्लीज नाउ टू इंट्रोड्यूस यू आवर सेमी डायरेक्ट चाय। चाय का पैक काफ़ी सारे लोगों ने आपने देखा होगा, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज़ द पैक विच इज कंटेन्स 10 सैशे। 10 सैशे हैं जो हमको पानी में डुबोना है और हमारी चाय लेना है। तो सबसे पहले जब आगे बात करता हूँ उसके पहले मैं एक चाय बना ही लेता हूँ, क्योंकि आई कांट रेजिस्ट दिस। लेट मी सी कि तब तक बनेगा तब तक मैं अपना द राइट काइंड ऑफ कलर एंड राइट काइंड ऑफ इन्ग्रीडियंट्स विल गेट इन टू द वाटर। सो Let's make a tea first. Amar, can you help me with some hot water? So, ये एक तो जरा यहाँ focus करिए। This 10 sachet का जो pack है, ये आप देखोगे यहाँ पे कि ये shrink wrap किया गया है, so that you know जो flavor है वो उसका कभी ना जाए। So that is in a shrink wrap. उसमें मैं ये remove कर दिया। This is how your it looks like. और इसमें 10 जो सैशे हैं मैं एक सैशे निकालता हूँ। इट इज़ फोकस नाउ अमर। अमर इज़ अवर लाइव एडिटर, सो ही इज़ हेल्पिंग मी इन दिस। अपने इसमें 10 सैशे हैं। अब ये 10 सैशे जो हैं ये भी एक पैक में है, सो यू कैन सी आई हैव टू ओपन दिस पैक, यू हैव टू ओपन इट, और आप देखोगे यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना लोगो। सो दिस इज रियल सेमी डायरेक्ट टी। पहले बनाना कैसा है वो तो आप भी जानते हो कुछ। अब चाय की विधि तो मैं बताने वाला नहीं हूँ कि कैसे बनाते हैं। पहले इस सैशे को हम ग्लास में डाल देते हैं, देन हॉट वाटर, दिस इज हॉट वाटर एंड आई एम जस्ट पोरिंग ओवर दिस सैशे एंड आई लीव इट एट दैट। जस्ट वाइप इट एंड जस्ट कीप इट, जब तक हम बात करेंगे अपने चाय के बारे में। दिस इज अवर लोगो ऑल्सो, यू कैन सी वेरी क्लियरली। लेट मी पुट दिस ऑल इन द ट्रैश। ऑलराइट, कैन दे सी दिस वेरी क्लियरली? ओके,
तो ये तो चलते रहेगा. सो इट विल शो ऑल काइंड्स ऑफ कलर, यू कैन सी द कलर इज चेंजिंग, वी विल लुक एट इट आफ्टर सम टाइम. ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू दी सम साइंस ऑफ व्हाट इज इन्वॉल्व इन आवर सेमी डायरेक्ट चाय. ऑलराइट, यस अमर, वी कैन गो अहेड. ओके, सेमी डायरेक्ट. नाउ इंट्रोड्यूसिंग चाय. चाय इज चाय, इसका कोई ब्रांड नेम, कोई ब्रांड नेम हमने नहीं सोचा कि इसका जैसे बायोप्रोटेक्टेंट या कुर्कुमिन C3 पावर, ये कोई बोलने की ज़रूरत नहीं. चाय से हम इतने एसोसिएटेड है कि हम जानते हैं चाय इज़ अ चाय. सो लेट्स कॉल इट सेमी डायरेक्ट चाय, दैट वॉज द होल आइडिया. सो चाय इज अवर ग्रीन टी एंड इट इज़ जिंजर फ्लेवर्ड. और सिर्फ जिंजर का इसमें फ्लेवर नहीं डाला गया है, इसमें अपना जो जिंजर एक्सट्रैक्शन जब होता है तो उसका एक फ्रैक्शन लेके इस प्रोडक्ट में डाला है. यानी आपको जिंजर की भी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो भी इसमें मिलेंगे. रिफ्रेशिंग फ्लेवर टी बैग टू एनहांस योर सेंसेस, दिस इज़ व्हाट इज़ द होल आइडिया. ब्रू इट विद द राइट टेम्परेचर. इसका भी सारा जो है ना दारोमदार, वो जब जितना आपका गर्म पानी प्रॉपर रहेगा तो जितना टेम्परेचर पानी का रहेगा उस तरह से वो जैसे इन्ग्रेडियंट आते हैं, मैं आपको दिखाऊँगा आगे आने वाले स्लाइड में. सो बेसिकली ग्रीन टी जब लोग पीते हैं तो दे आर लाइक टेकिंग इट फॉर देयर हेल्थ बेनिफिट. ग्रीन टी इज एक्सट्रीमली गुड वेन फॉर योर हेल्थ एंड दैट इज वाई, बिकॉज इन द वेट लॉस मैनेजमेंट, इन द वेट मैनेजमेंट स्पेसिफिकली फॉर वेट लॉस, पीपल यूज ग्रीन टी. अभी कोई लोग ग्रीन टी को इसी तरह से पीते हैं जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया कि गर्म पानी हमने टी बैग पे डाला और उसको ब्रू होने दिया 2 to 3 minutes. And all the catechins, जो यहाँ लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे उस पर, catechins as well as epigallo catechin gallate, EGCG बोलते हैं इसको. ये दो चीज़ें ग्रीन टी में होती है और ये चीज़ें आपको वेट लॉस में मदद करती है. अभी some people add milk also there, लेकिन आप अगर दुनिया में कहीं भी चाय पीने जाओ तो आप दिखेगा, आपको दिखेगा कि सब जगह आप पानी में ही सिर्फ चाय बनती है, उसमें कोई मिल्क नहीं ऐड करता या शुगर भी ऐड नहीं करते, जनरली नहीं करते हैं. और शुगर तो एज वी ऑल नो कंटेन्स फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज तो फिर अगेन अनहेल्दी हो जाएगा. सो आई वुड प्रिफर कि आप लोग उसमें शुगर मत डालिए, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी मिठास चाहिए उसमें तो आप उसमें शहद डाल सकते हैं, थोड़ा हाफ चम्मच उसमें शहद डाल सकते हैं. मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई मैं कुकरी शो में बैठा हुआ हूँ. Anyway, you know how to make it. So if you want it for taste, you can add some honey into it so that you get a good cup of our semi-direct chai. Abhi green tea ka history agar aap dekhoge to these are taken from the leaves, jis plant ka naam hai Camellia sinensis. Aur tea is one of the most widely consumed. Bola jata hai ki pani ke baad agar koi ek cheez hai jo sabse jyada consume karte hain log, that liquid is what? That liquid is चाय. ये वर्ड ऐसा है कि मैंने कई फॉरेनर्स को, अपने विजिटर्स आते हैं अपने लैब में, आते हैं अपने यहाँ मिलने आते हैं, तो हमेशा उनको भी ये चाय वर्ड मालूम है, तो हमेशा कहते हैं कि आई वुड लाइक टू हैव मसाला चाय, दैट इज हाउ दे कॉल इट, यू नो, मसाला चाय. तो चाय वो भी जानते हैं क्या होता है. तो चाय इज अ वेरी वेल नोन द वर्ड नाउ. आई डोंट नो वेदर इट हैज गॉन इन टू ऑक्सफर्ड डिक्शनरी, बट हमारे डिक्शनरी में तो चाय और हमारे जिंदगी से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ होता है. मेजर जो इंटरेस्ट होता है इस पर्टिकुलरली इन ग्रीन टी इज ड्यू टू इट्स हेल्थ बेनिफिट्स, और वो होता है बिकॉज ऑफ इट्स पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल्स इन ग्रीन टी. वेरी 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 पावरफुल. एंड दिस पॉलीफिनॉल्स, जो इसको बोलते हैं पॉलीफिनॉल्स विच आर प्रेजेंट इन अवर प्रोडक्ट, आर कैटेचिन्स एज वेल एज एपिगैलो कैटेचिन गैलेट, दैट इज EGCG. ये दो ये जो पॉलीफिनॉल्स है यही हमको जो है वो हेल्थ बेनिफिट देते हैं. पॉलीफिनॉल्स और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, और हम फ्री रेडिकल्स वगैरह सारा चीज़ तो हम अब तक जान चुके हैं, काफ़ी सारे हमारे प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं. तो दे आर नॉट ओनली, दे ओनली स्टॉप द मैन्युफैक्चरिंग और रादर कंट्रोल द फ्री रेडिकल्स, बट ऑल्सो दे आर स्कैवेंजर्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, यानी फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में भी उनका बड़ा योगदान होता है. केमिकली अपना चाय जो है वो कैरेक्टराइज बाय पॉलीफिनॉलिक कैटेचिन्स सच एज epigallo catechin gallate, then आपका EGC, then you have ECG and also you have epicatechins. These are 4 catechins which are present in our green tea. और यही है
जो आपको हेल्थ बेनिफिट देता है. सो यू शुड नो, अभी ये ईपी गैलो कैटेचिन गैलेट इज अ वेरी टंग ट्विस्टिंग वर्ड, बट आप उसको सिंपली ईजीसीजी बोल सकते हैं या सिंपली बोल सकते हैं कैटेचिन सिस्म है वो जो आपको फायदा देता है. ग्रीन टी फॉर वेट मैनेजमेंट, इसके लिए 20 कुछ स्टडीज भी की है लोगों ने. 24 आवर स्टडीज शोड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड द ऑक्सीडेशन. इसमें ये नीचे मैंने रेफरेंस भी वहाँ लिखा हुआ है, एकदम बॉटम में आप स्लाइड के देखोगे तो. सो कैटेचिन्स और ईपी गैलो कैटेचिन गैलेट, ये इसके साथ जब कैफीन का मिक्सचर होता है, लाइक योर ग्रीन टी कंटेन्स लॉट ऑफ कैफीन, सो इट हैज़ गॉट एक्सट्रीमली गुड इफेक्ट ऑन योर वेट मैनेजमेंट. नाउ 3-4 मिनट हो गए हैं, लेट मी शो यू हाउ आवर टी इज लुकिंग लाइक. आई कैन शो इट टू यू हियर. देखिए अमर, कैन पीपल सी दिस? They can see it very clearly. The color is changing slowly. The things are happening here. So that is the tea. I can taste it. Superb flavor. Superb flavor. You won't get any kind of these things anywhere. जिनको stronger tea चाहिए वो थोड़ा longer time में रखे और उसको थोड़ा सा निचोड़े भी, अगर चम्मच से निचोड़ना है तो, so that something else also comes inside that. Right? I prefer it this way of this color. यहाँ तक आ जाए बहुत है. So I will take it out and put it in a trash. So this is your green tea ready to get consumed. All right. Another study which showed that green tea or caffeine mixture जो है वो improved weight management partly through thermogenesis. Thermogenesis का मतलब होता है जहाँ heat generate होती है. When you take this hot beverage and it creates the thermogenesis, that is thermal genesis, means heat ka nirman hona, wo wahan pe hota hai, aur fats jo hai uska oxidation hota hai, that means you are losing fat and that is how you lose weight. Clinical trial likha gaya hai, kyunki hum aise hi baat nahi karenge, clinical ke sath baat karenge. So that is what it is. Green tea basics jo hai ye yahan pe likha gaya hai, it has got that sweetness which is caused due to the presence of amino acids, isme bahut sare hain. Then you have that bitterness, जो particularly catechins की वजह से होता है, और astringency, जिसको बोलते हैं ना सर sharp test, ऐसा एकदम strong test जो आता है, that is also due to catechins. So that is why initially जिनको आदत नहीं है, जिनको वो चाय और दूध और पानी के mixture के साथ पीने की आदत है, उनको suddenly when they move to semi-direct चाय, उनको लगेगा पहले मैं गर्म पानी पी रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा बिटरनेस है, ऐसा थोड़ा एक चेंज लगेगा. बट एज यू हैव टू डेवलप दैट टेस्ट, आप धीरे धीरे इट ग्रोज ऑन यू, देन यू वोंट ड्रिंक एनीथिंग एल्स, आप दूसरा कुछ नहीं लेंगे, यही लेंगे. इसमें मिल्क डालने की मेरे हिसाब से, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डालने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है. यू शुड टेक इट एज इट इज़. सो temperature for brewing, as we say, the more the temperature, higher the temperature, you get more catechins and caffeines which are extracted from this green tea. You have that ginger also in it, so our ginger oil ka jo fraction hai wo bhi aata hai, to usme bhi health benefit aapko mil rahe hain. More astringent due to that, and also stronger aroma as you keep it for a longer time. Jyada garam rakhe to usme jara stronger aapko taste aayega, and that is how it will help you in the weight management. So this is your semi-direct chai. This is the pack of 10, extremely reasonably priced. Generally price ki baat nahi karte hum jab KTC se baat karte hain, but by now you must be knowing what is the price. To hardly ek cup jo hai wo aapko, it cost you less than 10 rupees. Mere khayal mein iske siwa aur koi reasonably priced product nahi ho sakta. This is the sachet, this is the 10 rupee, you know, cup of that. So this is what it is, your semi-direct chai. Please send in your opinion on this chai, ki kaise laga aapko. To sdlive@semidirect.com, subscribe to get the notifications, and thank you for being with me. Thanks for watching, and with this semi-direct chai, vyast raho, mast raho, swast raho. Thanks for watching. Thank you.